हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला स्पोर्ट है हमारे सामने, वो है क्रिकेट। क्रिकेट आप सबने खेला है, देखा है, सुना है, तो क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम सब ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्रिकेट कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। तो ये है इंग्लैंड का नेशनल स्पोर्ट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, वो भी है क्रिकेट। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सिंगल टीम, एक टीम में जो आपके टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं 11। कितने प्लेयर्स होते हैं एक सिंगल टीम में, दैट इज 11। आगे देखते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जो टर्म्स हैं हमारे सामने, जैसे कि गूगली, स्पिन एंड यॉर्कर, ये सभी क्या है, ये है बॉलिंग स्टाइल कि किस किस तरीके से बॉल फेंकी जाती है, गूगली वे में, स्पिन में, यॉर्कर में। इसके अलावा है पिच और स्टंप। पिच क्या होता है, जहाँ पे ये ग्राउंड जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है उसे पिच बोलते हैं, और स्टंप जिसके आगे बैट्समैन खड़ा होता है और स्टंप को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज योर स्टंप। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म यूज होता है, दैट इज बाय, स्लिप, स्क्वायर लेग। ये क्या है, ये है आपकी फील्डिंग की पोजीशंस कि कहाँ पर खड़े होकर आपने फील्डिंग करनी है। इसके अलावा लॉन्ग ऑन, सिमर, ये सारी टर्म्स एसोसिएटेड हैं। फॉलो ऑन, LBW, हिट विकेट। LBW का मतलब है लेग बिफोर विकेट। विकेट के सामने अगर बैट्समैन के पैर के ऊपर बॉल लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, LBW, आउट। और इसी तरह से हिट विकेट आउट होने का एक टेक्निक है। इसके आगे है नो बॉल, वाइड बॉल एंड डेड बॉल। ये सारे भी क्या है, ये बॉलिंग से रिलेटेड टर्म्स है। और इसके अलावा है हुक, स्ट्राइक एंड पुल। ये सारे कुछ टर्म्स देखी हमने रिलेटेड टू क्रिकेट। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स आपसे पूछी जाती है रिलेटिंग टू फील्डिंग पोजीशन, कि फील्डिंग पोजीशन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स आपसे पूछी जाती है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है गली। गली का मतलब क्या होता है, गली एक फील्डिंग पोजीशन है कि पिच के कौन सी साइड में अगर कोई फील्डर खड़ा होगा तो वो गली पोजीशन पे खड़ा होगा। इसके अलावा बाकी के सारे में फील्डिंग पोजीशन के बारे में बताया हुआ है कि विकेट कीपर की फील्डिंग पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप होता है एग्जैक्टली ये वाली फील्डिंग पोजीशन। इसके बाद थर्ड मैन कहाँ पर खड़ा होता है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, ये सारे क्या है, ये सारे फील्डिंग पोजीशन है कि पूरे ग्राउंड में फील्डर को किस किस हिसाब से किस किस पोजीशन में खड़े होना है ताकि वो प्रॉपर फील्डिंग पोजीशन को सेट कर पाए। और ये सारी फील्डिंग पोजीशन ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं मिड विकेट, शॉर्ट लेग, ये भी एग्जाम में आता है, शॉर्ट लेग एंड स्क्वायर लेग, ये कौन सी पोजीशन है, ये पर्टिकुलरली ये वाली फील्डिंग पोजीशंस है। इसके बाद है लेग स्लिप, फाइन लेग, ये सारी क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्डिंग पोजीशंस है एज पर द क्रिकेट ग्राउंड। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि एक टर्म होता है दैट इज मेडन ओवर। मेडन ओवर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक कंप्लीट ओवर में एक भी रन स्कोर नहीं कर पाता है बैट्समैन, तो वो सारा क्या चलाता है, वो कहलाता है आपका मेडन ओवर, जहाँ पर कोई भी रन नहीं मिलता है एक कंप्लीट ओवर में। नेक्स्ट वन इज बेल। बेल क्या होता है, स्टंप के ऊपर जो एक्स्ट्रा पीसेस रखे होते हैं वुडन के, उसे हम बोलते हैं बेल। इस तरह से आपकी स्टंप होती है, तीन स्टंप्स होती हैं, इनके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे वुडन पीसेस रखे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बेल। इसके अलावा होता है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है, जब बैट्समैन को कोई एक्स्ट्रा रन मिल जाता है बिकॉज ऑफ बोलिंग। इसके बाद है क्रीज। क्रीज का मतलब जो एक्स्ट्रा लाइंस बनाई जाती हैं चौक के वे से या वाइट कलर के पेंट के साथ जो लाइंस बनाई जाती हैं वो सारी क्रीज होती है। इसके अलावा होता है एशेज। एशेज क्या होता है, एशेज होता है टेस्ट क्रिकेट सीरीज। इंपॉर्टेंट टर्म है, एशेज आया हुआ है एग्जाम में कि एशेज का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट सीरीज होता है। आगे मूव करते हैं अगले स्पोर्ट्स की तरफ। तो अगला जो स्पोर्ट है हमारे सामने वो है फुटबॉल। फुटबॉल के बारे में हमें क्या याद रखना है, फुटबॉल के बारे में हमें याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। तो ये है नेशनल स्पोर्ट ऑफ फ्रांस। ये है फ्रांस का नेशनल स्पोर्ट है। और इसमें एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, इसमें एक टीम में 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। आगे देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स में है स्टॉपर, स्वीपर, ये सारे क्या है, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि फुटबॉल टीम में प्ले करते हैं। स्टॉपर का मतलब होता है डिफेंडर, जो कि आपकी बॉल को डिफेंड करता है। इसके अलावा स्वीपर एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है बिल्कुल नेट के आगे। इसके बाद थ्रो इन, ये सारे टाइप ऑफ किक्स हैं, ड्रॉप किक, पेनल्टी किक, फ्री किक, सीजर किक, किस तरह से बॉल को हिट करते हैं, ये सारे टाइप ऑफ किक्स हैं। इसके आगे है फुल बैक एंड हाफ बैक, ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड हैं फुटबॉल के साथ। और क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्राइकर। स्ट्राइकर कौन होता है, स्ट्राइकर उस प्लेयर को बोलते हैं जो बॉल को थ्रो करता है। आगे है ऑफ साइड,
टैकल एंड स्लाइडिंग टैकल. एक और टर्म जो एसोसिएटेड है दैट इज पेनल्टी शूट आउट. किससे रिलेटेड है ये सारे के सारे? फुटबॉल से रिलेटेड है. फुटबॉल के बारे में और इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए हमें? ये सारा जैसे आपके सामने फुटबॉल का ग्राउंड है तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा होता है दैट इज नोन एज स्वीपर. ठीक है, जो एग्जैक्टली यहाँ पर खड़ा होगा दैट इज स्वीपर. और डिफेंडर होते हैं आपके यहाँ पे जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम स्टॉपर भी बोलते हैं. तो ये सारे आपके प्लेयर्स की पोजीशन है. और कौन कौन सी टर्म है? एक टर्म एसोसिएटेड है दैट इज टाई ब्रेकर. टाई ब्रेकर इज अ सिचुएशन जहाँ पे दो टीम्स के बीच में अगर टाई हो जाता है तो उसे ब्रेक करने के लिए जो रूल फॉलो होता है दैट इज टाई ब्रेकर. इसके बाद है टच लाइन. जो आपके ये लॉन्गर साइड्स बनाई गई हैं ये है टच लाइन, और जो शॉर्टर साइड्स बनाई गई हैं इन्हें हम बोलते हैं गोल लाइंस. तो टच लाइन एंड गोल लाइंस दोनों किस एसोसिएटेड है? फुटबॉल से एसोसिएटेड है. अगली जो टर्म है दैट इज ड्रिबल. ड्रिबल क्या होता है? जहाँ पे एक टीम का कोई प्लेयर दूसरे टीम के गोल पोस्ट की तरफ बॉल को लेकर जाता है, इस टेक्निक के साथ उसे हम बोलते हैं ड्रिबल. आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है फुटबॉल के साथ दैट इज टैकल. और टैकल का मतलब क्या होता है? एक डिफेंसिव मूव टू स्टॉप द ओपोनेंट, ओपोनेंट को रोकने के लिए. आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की तरफ. तो जो अगला स्पोर्ट है हमारे सामने दैट इज हॉकी. और सबसे पहले हॉकी कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है ये हम सबको पता होना चाहिए. किसका नेशनल स्पोर्ट है? ये है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट. सबसे पहले तो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट दैट इज हॉकी. इसके अलावा और किस कंट्री का ये नेशनल स्पोर्ट है? और है ये पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट. तो हॉकी इज अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? एक टीम में होते हैं आपके 11 प्लेयर्स. ठीक है, इसके अलावा और कुछ टर्म्स देखते हैं. जैसे कि इसमें एक टर्म यूज होता है दैट इज बुली एंड हैट्रिक. आगे देखते हैं और कौन सी टर्म है इसके साथ एसोसिएटेड है. हॉकी के साथ टर्म एसोसिएटेड है दैट इज स्ट्रोक. स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? वे टू हिट अ बॉल. आगे देखते हैं अंडरकटिंग एंड सेंटर फॉरवर्ड. सेंटर फॉरवर्ड इज अ पोजीशन ऑफ हॉकी ग्राउंड. इसके बाद है कैरी एंड गोल लाइन. गोल लाइन वो पर्टिकुलर लाइन जिसके आगे आके आप गोल को कंसीडर करते हैं. आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज शॉर्ट कॉर्नर ड्रिबल. नेक्स्ट इज स्ट्राइकिंग सर्कल स्कूप एंड स्क्वेयर पास. ये सारे टर्म्स किससे एसोसिएटेड है? ये हॉकी के साथ एसोसिएटेड है. आगे देखते हैं हॉकी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है दैट इज टैकल. टैकल का मीनिंग फुटबॉल के लिए भी बिल्कुल सेम है, हॉकी के लिए भी बिल्कुल सेम है, ओपोनेंट को रोकना, ओपोनेंट को डिफेंड करना. आगे देखते हैं डॉज. डॉज का मीनिंग क्या होता है? बॉल के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाकर उसको गोल कोर्स तक लेकर जाना. नेक्स्ट वन इज पेनल्टी कॉर्नर. पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है? फ्री हिट होता है जो कि बैक लाइन से लिया जाता है. इसके बाद है फ्लिक. और फ्लिक का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट स्टिक के साथ जो कि बॉल को पूरा हवा में उड़ा देता है, ग्राउंड से लिफ्ट कर देता है बॉल को, दैट इज फ्लिक. आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की तरफ. तो जो अगला स्पोर्ट है हमारे सामने दैट इज वॉलीबॉल. और वॉलीबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं एक टीम में? एक टीम में होते हैं 6 नंबर ऑफ प्लेयर्स. एक सिंगल टीम में एक साइड पे 6 नंबर ऑफ प्लेयर्स खेलते हैं. इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देखते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पेनिट्रेशन. आता है एग्जाम में बहुत बार पेनिट्रेशन. इसके अलावा बूस्टर एंड एस. एस भी इंपॉर्टेंट है. किससे रिलेटेड है? वॉलीबॉल से एसोसिएटेड है. आगे है स्मैश एंड फुटफॉल. फुटफॉल इज अ मिस्टेक. नेक्स्ट जो टर्म एसोसिएटेड है दैट इज एंटीना. एंटीना एंड अटैक हिट. किससे एसोसिएटेड है? वॉलीबॉल के साथ एसोसिएटेड है. आगे बढ़ते हैं स्पाइकर्स एंड जंप सेट. इसके बाद है ड्यूज. ड्यूज क्या होता है? ड्यूज इज अ सिचुएशन जहां पर दोनों ही टीम्स के स्कोर जो हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं. जब दोनों टीम के स्कोर इक्वल हो जाएंगे तो वो सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्यूज. इसके बाद है विंडमिल सर्विस. वे टू सर्व अ बॉल. बॉल को सर्व जिस तरीके से किया जाता है उनमें से एक मेथड है दैट इज विंडमिल सर्विस. इसके बाद है साइड आर्म. साइड आर्म भी एक मेथड है जहां पे हम बॉल को सर्व करते हैं. इसके बाद है स्काउटिंग. और आगे है ब्लॉकिंग एंड डबलिंग. ब्लॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? ओपोनेंट से अपनी बॉल को बचाना, बॉल को सेव करके रखना फ्रॉम ओपोनेंट टीम, दैट इज नोन एज ब्लॉकिंग. आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की तरफ. तो जो अगला स्पोर्ट है हमारे सामने दैट इज टेबल टेनिस. और टेबल टेनिस कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? ये है नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना. चाइना का जो नेशनल स्पोर्ट है दैट इज टेबल टेनिस. और इसमें एक टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो एज यू नो कि जो टेबल टेनिस के मैचेस होते हैं वो डबल्स में भी होते हैं एंड सिंगल्स में भी होते हैं. अगर सिंगल टूर्नामेंट है तो उसमें एक टीम में एक मेंबर, और अगर डबल्स का टूर्नामेंट है तो उसमें एक टीम में दो मेंबर्स एक साथ एक टीम की तरफ से प्ले करते हैं. आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट वन इज वॉली एंड हाफ वॉली. ये इंपॉर्टेंट है. वॉली एंड हाफ वॉली टेबल टेनिस के साथ भी एसोसिएटेड है, लॉन टेनिस के साथ भी एसोसिएटेड है द टर्म वॉली. इसके बाद है बैकहैंड. लेट सर्विस. लेट सर्विस व्हेन यू मिस एनी चांस. नेक्स्ट वन इज लूप एंड एंटी लूप. किससे एसोसिएटेड है? टेबल टेनिस के साथ एसोसिएटेड है. आगे आ जाते हैं ड्राइव स्पिन एंड बैक स्पिन. ये सारे सर्विस करने के तरीके हैं, ड्राइव स्पिन एंड बैक स्पिन. आगे देखते हैं चॉप एंड पेन होल्ड ग्रिप. पेन होल्ड ग्रिप.
आगे है पुश एंड ट्विडल। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट, दैट इज टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की तरफ। तो जो अगला स्पोर्ट्स है हमारे सामने, दैट इज बैडमिंटन। और ये कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? ये है नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो नेशनल स्पोर्ट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बैडमिंटन। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? इसके टूर्नामेंट्स भी सिंगल्स एंड डबल्स में होते हैं। तो या तो एक टीम में एक प्लेयर या तो एक टीम में दो प्लेयर्स एक साथ बैडमिंटन खेलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट वन इज शटलकॉक। शटलकॉक क्या होता है? जिसके साथ आप ये बैडमिंटन गेम खेलते हैं इसे हम बोलते हैं शटलकॉक। आगे है सर्विस कोर्ट। सर्विस कोर्ट जहाँ पर ये बैडमिंटन गेम खेला जाता है, जहाँ पर प्ले किया जाता है, दैट इज नोन एज सर्विस कोर्ट। आगे है डबल फॉल्ट। नेक्स्ट वन इज नेट। नेट ये जो बीच में सेंटर में लगा होता है नेट, दैट इज नेट। नेक्स्ट टर्म है स्मैश। स्मैश का मतलब शटलकॉक को हिट करने का एक तरीका। नेक्स्ट इज हेड, फोरहैंड एंड बैकहैंड। फोरहैंड बैकहैंड पोजीशंस ऑफ सर्विस। आगे देखते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स। एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेट शॉट। नेट शॉट का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लेयर शॉट मारता है और शटलकॉक कहाँ चली जाती है? नेट पे चली जाती है या नेट को हिट करती है, दैट इज नोन एज नेट शॉट। आगे है लव। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बैडमिंटन में यूज होता है लव। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसी एक प्लेयर के क्या होंगे? जीरो पॉइंट्स होंगे। कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर जिसका कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा, जीरो पॉइंट बन रहे हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं लव। नेक्स्ट वन इज ड्यूस। ड्यूस हमने पहले भी डिस्कस किया। और टाई स्कोर, जहाँ पे दोनों टीम्स का सेम स्कोर हो जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? जब शटल फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्ट में ही गिर जाएगी, मतलब जिस साइड पे प्लेयर गेम प्ले कर रहा है उसी साइड पे अगर शटल गिर जाती है तो इसे हम बोलते हैं सिचुएशन ऑफ ड्रॉप। आगे आते हैं, आगे है फ्लिक सर्विस। एक फास्ट और ऑफेंसिव वे टू सर्व, सर्व करने का एक ऑफेंसिव तरीका, उसे हम बोलते हैं फ्लिक सर्विस। आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की तरफ। तो जो अगला स्पोर्ट है हमारे सामने, दैट इज बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? एक सिंगल टीम में, एक टीम में जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, दैट इज फाइव। पांच प्लेयर्स होते हैं एक सिंगल टीम में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज फ्री थ्रो, द वे टू सर्विस द बॉल, बॉल को सर्विस करने का एक तरीका, ओवरहेड एंड अंडरहेड। इसके बाद है कॉमन फाउल। नेक्स्ट है फास्ट ब्रेक, इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि रिलेटेड है बास्केटबॉल के साथ, फास्ट ब्रेक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है टेक्निकल फाउल, ड्रिबलिंग एंड पाइवटिंग। नेक्स्ट है डंक, बॉक्स आउट, लेअप, ट्रैवलिंग एंड नेक्स्ट है चेरी पिकिंग। तो ये सारे क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू योर स्पोर्ट, दैट इज बास्केटबॉल। नेक्स्ट हमारे सामने जो गेम है, दैट इज लॉन टेनिस। लॉन टेनिस भी बोल सकते हैं, टेनिस भी बोल सकते हैं। लॉन टेनिस में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? इसके भी सिंगल्स एंड डबल्स के टूर्नामेंट होते हैं। तो या तो एक प्लेयर हो सकता है एक टीम में, या तो दो प्लेयर्स हो सकते हैं एक सिंगल टीम में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो टेबल टेनिस के साथ मैच करते हैं। टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर टर्म्स रखते हैं ये आपस में। सबसे पहले है एस, नेक्स्ट है बैकहैंड स्ट्रोक, नेक्स्ट है ड्यूस, फिर से वही पोजीशन जहाँ पे दोनों टीम के मेंबर्स का सेम स्कोर हो जाता है, टाई स्कोर हो जाता है। नेक्स्ट इज डीप वॉली, डबल फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, मतलब व्हेन यू हिट द शटल कॉक एंड इट विल डायरेक्टली टच टू द ग्राउंड। नेक्स्ट इज हाफ वॉली, लेट, लव। ये सारी टर्म्स अभी अभी हमने डिस्कस की हैं इन टेबल टेनिस ऑल्सो। आगे देखते हैं स्लाइस, स्मैश, टॉप स्पिन वॉली, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, बेस लाइन एंड ब्रेक पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू योर गेम, दैट इज लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की तरफ। तो जो अगला स्पोर्ट है हमारे सामने, दैट इज चेस। वेरी पॉपुलर गेम चेस, सबको पता है। चेस में एक टाइम पे कितने प्लेयर्स खेलते हैं? एक टाइम पे एक टीम की तरफ से एक सिंगल प्लेयर जो है वो सर्व करता है चेस में। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो काफ़ी बार एग्जाम में देखी गई हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज गैम्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई बार एग्जाम में आई है गैम्बिट रिलेटेड टू चेस। एक है रिजाइन एंड मूव। मूव मतलब जब हम शतरंज के पासों को आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है कैप्चर एंड कैसलिंग। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी कोई पर्सन चेस का विनर होता है उसे एक टाइटल दिया जाता है, दैट इज अ टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। आगे देखते हैं, आगे है चेकमेट, स्टेलमेट। चेकमेट का मतलब होता है शह और मात। ये यूजुअल टर्म है जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं चेस गेम के टाइम पे, चेकमेट एंड स्टेलमेट। इसके बाद है बिशप, नाइट, क्वीन एंड रॉक। ये सब क्या है? ये सब इसके पीसेस के नाम है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस हैं उन्हें हम बोलते हैं बिशप, नाइट, क्वीन एंड रॉक। नेक्स्ट है किंग्स, इंडियन डिफेंस एंड इंटरनेशनल मास्टर। जैसे ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है वैसे ही इंटरनेशनल मास्टर का भी टाइटल होता है। ये पीसेस हैं चेस के जिनके साथ चेस खेली जाती है। तो ये सारे चेस के पीसेस को पर्टिकुलर टर्म्स के साथ डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट की तरफ। नेक्स्ट स्पोर्ट है आपका स्विमिंग। स्विमिंग में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल,
क्रॉल, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं स्टाइल ऑफ स्विमिंग, कि किस अलग अलग तरीके से स्विमिंग की जाती है, ये सारे उसके स्टाइल्स हैं। इसके अलावा है बैक स्ट्रोक, लेन होता है, ये वाली पर्टिकुलर लाइंस जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्विमर को आगे की तरफ बढ़ना होता है। नेक्स्ट इज पैडल इज ऑल्सो अ मूवमेंट ऑफ फीट। नेक्स्ट है रिले एंड स्प्लिट, ये सारे टर्म्स किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है विद योर गेम दैट इज स्विमिंग। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं? सबसे पहले है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड इज अ ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स जहाँ पर जंपिंग जिसमें ऐड होता है, थ्रोइंग ऐड हो जाता है, ट्रैक ऐड हो जाता है, कलेक्टिवली जो गेम खेली जाती है दैट इज ट्रैक एंड फील्ड। आगे है फोटो फिनिश। फोटो फिनिश का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो कॉम्पिटिटर्स सेम टाइम पे फिनिश लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि किस पर्सन ने पहले फिनिश लाइन को क्रॉस किया, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फोटो फिनिश। आगे है हर्डल्स। हर्डल्स क्या होता है? गेम में हर्डल्स यूज़ की जाती हैं, जैसे इस पिक्चर में आपको शो भी हो रहा है कि गेम में हर्डल्स रखे जाते हैं जिन्हें क्रॉस करके जंप करके आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट वन इज शॉटपुट। शॉटपुट क्या होता है? एक स्फेरिकल वेट जिसे कि हम गोला फेंक भी बोलते हैं, इस तरीके का कुछ गोल सा स्फेरिकल वेट होता है जिसे हम थ्रो करते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन जो शॉटपुट है वो स्फेरिकल शेप में होता है और डिस्कस थ्रो जो होता है वो एक डिस्क की शेप में होता है, जैसे आपके सामने ये पिक्चर में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो इस तरीके का एक हैमर होता है। नेक्स्ट जो एसोसिएटेड है दैट इज अ टर्म रिले। रिले रेस होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा एथलीट, 4 एथलीट्स की एक टीम होती है जो एक प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस को कवर करती है, दैट इज नोन एज रिले रेस। और एक दूसरे को वो बैटन पास करते हैं। बैटन इज दिस रॉड लाइक ऑब्जेक्ट जिसे हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैटन। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स। फर्स्ट वन इज बेसबॉल। बेसबॉल किसका नेशनल स्पोर्ट है? बेसबॉल इज अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ अ कंट्री नेम एज USA। USA का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? बेसबॉल। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? इसमें होते हैं 9 नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ सिंगल टीम। और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं पिंचिंग, होम रन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। होम रन किससे एसोसिएटेड है? बेसबॉल के साथ। बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट एंड डायमंड। डायमंड भी इंपॉर्टेंट है, डायमंड भी देखा गया है एग्जाम में पहले। आगे है हमारे पास नेक्स्ट गेम दैट इज गोल्फ। और गोल्फ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एल्बेट्रोस, नेक्स्ट है बर्ड, एस, ईगल, बंकर, कैडी, होल एंड टी। होल जहाँ पर टारगेट किया जाता है कि कहाँ पर आपको बॉल स्ट्राइक करनी है, एंड कैडी उस जिसके साथ आप बॉल को स्ट्राइक करते हैं। अगले स्पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्पोर्ट है पोलो। और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं एक टीम में? एक टीम में होते हैं 4 नंबर ऑफ प्लेयर्स। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं दैट इज पोलो, बंकर, मैलेट एंड चक्कर। नेक्स्ट जो स्पोर्ट है हमारे सामने दैट इज खो खो। और खो खो में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं एक टीम में? एक टीम में होते हैं 9 नंबर ऑफ प्लेयर्स। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स रनर, चेजर, पोल बाय, आउट एंड फाउल। बहुत इजी टर्म्स हैं जो किससे रिलेटेड है? खो खो के साथ एसोसिएटेड है। आगे देखते हैं अगली स्पोर्ट जो हमारे सामने है दैट इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में एक टाइम पे एक टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 1, एक टाइम पे एक ही प्लेयर गेम खेलता है। इससे रिलेटेड जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉकआउट, हुक, पंच, अपर कट, किडनी पंच, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आपके मेथड ऑफ अटैक, कि अटैक कैसे करना है अपने ओपोनेंट को। नेक्स्ट है ब्रेक, बकल, कैनवस, कार्ड एंड स्टेबलमेट। ये सारे टर्म्स किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है विद योर गेम दैट इज बॉक्सिंग। आगे बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। तो जो नेक्स्ट गेम है हमारे पास दैट इज बिलियर्ड। और बिलियर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पुल, क्यू, हिट, ऑब्जेक्ट वॉल एंड स्कोरिंग। ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड है विद योर गेम दैट इज बिलियर्ड। तो ये देखिए हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।